हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं निखिल और आज मैं लेके आया हूं एक और फोटोशॉप ट्यूटोरियल जिसमें हम लोग सीखेंगे क्रिएट करना या डेवलप करना एक फैंटेसी इफेक्ट जिसे यूज़ करके आप कोई भी अपने इमेज को एक फैंटेसी टाइप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और इस लुक को डेवलप करने के लिए हम कुछ बेसिक्स से या सिंपल से एडजस्टमेंट लेयर्स का यूज़ करेंगे। तो काफ़ी सिंपल इफेक्ट है बट जो एंड रिजल्ट देता है ये इफेक्ट वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो फैंटेसीज मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि यू नो फैंटेसी मूवीज़ की सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि वो आपको एक अलग ही जोन में लेके चली जाती है और मैं ऐसे मूवीज़ का फ़ैन हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाएं जिसमें हम लोग अपने इमेजेस को एक फैंटेसी इमेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करें। सो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो यार लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब और लाइक दोनों ही ऑलरेडी कर चुके हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग फोटोशॉप के अंदर स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक न्यू डॉक्यूमेंट। मैं इसकी साइज जो है वो सेट कर दूंगा 2560x1440 जो कि है हाफ या 2K बेसिकली। आप लोग चाहो तो 4K भी ले सकते हो। 300 पे जो रिजोल्यूशन है वो सेट है, कलर मोड सेट है RGB पे 16 बिट्स पर। मैं इसे नाम दे दूंगा फैंटेसी और क्लिक करेंगे क्रिएट पर। ठीक है, हमारा जो आर्टबोर्ड है ये डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई भी इमेज है वो जो मुझे यूज़ करनी है उसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इस तरीके से। फिर इसे मैं बस सेट कर देता हूँ इस तरीके से पूरे आर्टबोर्ड पर। फिर मुझे क्या करना है, इस इमेज का एक डुप्लीकेट बनाना है। तो मैं प्रेस करूँगा Ctrl J डुप्लीकेट बनाने के लिए। इसे हम लोग नाम देते हैं इन्वर्ट, और इसे हमें बेसिकली इन्वर्ट करना है। तो इन्वर्ट करने का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl I। इस तरीके से हम लोग इन्वर्ट कर सकते हैं, या तो Ctrl Z करके मैं यहाँ पे जाके इमेज एडजस्टमेंट और इन्वर्ट इस तरीके से भी मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ। राइट, फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इस पर्टिकुलर लेयर का वो मैं सेट कर दूंगा U पर। तो ऑलरेडी तुम लोग देख सकते हो हमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा लुक मिल जाता है, बट इसे हम लोग एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ जाऊँगा और एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँगा कलर मिक्सचर का। ठीक है, फिर जो प्रीसेट है उसे मैं सेट कर दूँगा कस्टम पे। जो आउटपुट चैनल है उसे मैं सेट कर दूँगा रेड पर, और जो रेड वैल्यू है इसकी वो मैं ले लूँगा 0 पर, और जो ब्लू वैल्यू है इस रेड चैनल की उसे मैं सेट कर दूँगा 100 पर। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा इसके ब्लू चैनल में, और इसकी जो ब्लू चैनल की रेड वैल्यू है उसे मैं सेट कर दूंगा 100 पर, और ब्लू चैनल की ब्लू वैल्यू को मैं सेट कर दूंगा 0 पर। तो बूम, इस तरीके से हमें ये बहुत ही अमेजिंग सा एक लुक मिल जाता है, और इस पूरे कलर को और भी ज़्यादा सैचुरेट और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए हम लोग एक वाइब्रेंट लेयर का, एक वाइब्रेंट एडजस्टमेंट का यूज़ करेंगे। सो मैं सिंपली इसकी वाइब्रेंसी और जो सैचुरेशन है उसे और थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड बूम, जस्ट कुछ फ्यू स्टेप्स यूज़ करके हमने ये फैंटेसी सा लुक जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो इसे क्रिएट करना एज यू कैन सी बहुत ही सिंपल है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये पर्टिकुलरली जो लैंडस्केप्स होते हैं नेचर और ऐसे सब टाइप्स के उस पर ज़्यादा अच्छा दिखता है। और अगर आपके इमेज में कोई सब्जेक्ट है या कोई पर्सन है तो उस पर ये शायद इतना अच्छा ना दिखे और आपको थोड़ा सा मास्किंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उससे बताने के लिए मैं और एक इमेज पर हम लोग ये सेम इफेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं सिंपली इन दो इफेक्ट्स को Ctrl C करके कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं फिर से वही स्टेप्स यूज़ करूँगा जो मैंने पहले किए थे। मैं इस इमेज को डुप्लीकेट कर लूँगा Ctrl J प्रेस करके, और इन्वर्ट कर लूँगा Ctrl I प्रेस करके, और फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं सेट कर दूँगा U पर। और बूम, तुम लोग देख सकते हो अगर मैं इन तीनों ही लेयर को ग्रुप कर दूँ Ctrl G प्रेस करके, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब चाहूँ तो मैं इसकी जो सैचुरेशन लेवल है उसको और थोड़ा सा इंटेंस कर दूँगा जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब तुम लोग एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टी शर्ट का कलर है वो चेंज हो रहा है, हल्का सा ग्रीन टोन में चले जा रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं सिंपली इस ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा, एक लेयर मास्क क्रिएट करूँगा,
ब्रश टूल सिलेक्ट करूंगा बी प्रेस करके, और मेक श्योर करना है कि जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक पे हो। अगेन मेक श्योर करें कि आपका जो लेयर मास्क है वो सिलेक्टेड हो, ब्रश टूल सिलेक्टेड हो, और इस तरीके से हम इरेज कर देंगे। तो मैं इस पूरे टी शर्ट को या इस पूरे टी शर्ट के ऊपर से वो इफेक्ट्स जो है वो निकाल दूंगा, और ऑलरेडी तुम लोग देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली इसे थोड़ा सा इरेजिंग करके मनचाहा इफेक्ट हासिल कर सकते हो। सो दैट इज अ रैप फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे दो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और क्या बाकी रह गया, और हाँ, मैं एक पोस्ट या पोल डालने वाला हूँ अपने कम्युनिटी टैब पे इस पर्टिकुलर चैनल के, जहाँ पे आप लोगों को वोट करना है और बताना है कि मैं ज़्यादा ट्यूटोरियल्स कौन से सॉफ्टवेयर के अपलोड करूँ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो के। तो उससे मुझे एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स के साथ ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं अपने जो सेकेंड चैनल है उस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ। तो यस, मुझे ज़रूर बताना वोट करके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे जानना। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको कोई फैंटेसी मूवी रिकमेंड करनी है मुझे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, मुझे काफ़ी मज़ा आता है जैसे कि मैंने बोला फैंटेसी मूवीज़ देखने, तो मैं ज़रूर चेकआउट करूँगा। ओके, बाय।